स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस वक्त मैं मौजूद हूं नूह में। यहां पर नूह क्रिकेट एकेडमी के लोग मौजूद हैं, सारे जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक बड़ी कामयाबी क्रिकेट एकेडमी को मिली है, उस सिलसिले में हम तमाम जिम्मेदारान से बात करेंगे। अयान साहब हैं जो हरियाणा T10 क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और इस तरह से आकिब साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में। कोच सर हैं कमल शर्मा जी, जो लगातार 2 सालों से लगातार यहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनकी कोशिशें हैं। और यहाँ ब्रेटली हैं, जो जिनका असल नाम यूसुफ है लेकिन वो ब्रेटली के नाम से मशहूर हैं। तो हम शुरुआत करेंगे अयान सर से। ये हमने मतलब 2020 चलता है तो एक T10 भी शुरू हुआ, थोड़ा शॉर्टर फॉर्मेट, थोड़ा इंटेंस फॉर्मेट जिसे कहेंगे हम ज़्यादा। तो और फिर इसमें बच्चों को थोड़ा सा अपने आप को हौसला मिले, अपना परफॉर्मेंस देने का एक मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इसमें पहले तो हमारी यही कोशिश है कि एक बेसिक टूर्नामेंट हम जाएंगे। पहले तो बेसिक टूर्नामेंट हमारा है इंडिया T10 एसोसिएशन के लिए, जो कि नोएडा में हो रहा है, हमारा टूर्नामेंट होगा। तो उसकी टीम का सिलेक्शन हमारा पहला गोल हमारा यही है, पहला गोल जो है हमारे दिमाग में। तो ट्रायल की डेट्स आपको मैंने बता दी हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तमाम पत्रकारों ने, उसमें बताया गया था कि 3-4 जुलाई से यहाँ ट्रायल शुरू हो रहे हैं और उनकी जो प्रतिनिधित्व है वो यही टीम करेगी। यहाँ कोच सर हैं, उनकी निगरानी में वो ट्रायल शुरू होगा। 3-4 जुलाई से शायद शुरू होना है, सुबह 8 बजे से इसी ग्राउंड में। उसकी कोई प्रक्रिया हमें बताएंगे आप, किस तरीके से किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन कराना होगा? मैं कोच सर से रूबरू होना चाहूँगा जी। हाँ जी सर, इसके लिए आपको सुबह में 8 बजे नो डिस्ट्रिक्ट में आपको बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहीं पर मिलेगा, आपको फिल करने के बाद यहीं पर आपकी ओपन नेट में ट्रायल होगा। और कुछ हमारे सेलेक्टर्स होंगे जो प्लेयर्स को सेलेक्ट करके शॉर्टलिस्ट करके 15 की एक लिस्ट बनाएंगे, जो हम 2 अगस्त से 7 अगस्त तक प्रतिभाग करेंगे जा करके नोएडा में। तो ये जो 15 सदस्यीय जो टीम होगी वो मेवात बेस्ड होगी, नूह बेस्ड होगी या हरियाणा के लेवल की होगी? जी, ये पूरे हरियाणा की एक टीम होगी जिसका नाम होगा हरियाणा T10 जी। हाँ जी सर, और ये मैचेस जो होंगे पूरे लाइव टेलीकास्ट होगी, जो हमारे जो असल टूर्नामेंट होगा वो लाइव टेलीकास्ट। जी हाँ जी हाँ, जो असल टूर्नामेंट हमारी 2 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में खेली जाएगी वो पूरी तरीके से लाइव टेलीकास्ट होगी। तो आप 2 सालों से यहाँ लगातार कोशिशें कर रहे हैं, किस तरह की प्रतिभा आप देखते हैं बच्चों में? थोड़ी देर पहले आप प्रैक्टिस भी करा रहे थे, तो क्या लगता है कि इस ट्रायल से, इस गहमा गहमी से, इस एक अलग तरीके से उत्साह से कितना फ़ायदा यहाँ के बच्चों को मिल सकता है? ये यहाँ पर देखिए, यहाँ के लड़के जो है काफ़ी टैलेंटेड है और उत्साहपूर्वक हैं, और ये टूर्नामेंट के लेके बहुत ज़्यादा ये खुश भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये थोड़ा सा पिछड़ा एरिया है, रूरल एरिया है, जहाँ पर हमारे क्रिकेट की सही संसाधन नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे कई सीनियर्स प्लेयर्स हैं जो आगे नहीं जा पाए। तो काफ़ी सीनियर भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे आने वाले जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो आगे जाके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते। एक आखिरी सवाल ये कि इसमें कोई मतलब बच्चे की जो उम्र है, खिलाड़ी की जो उम्र है, वो भी तय की गई है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे के सिर्फ और सिर्फ टैलेंट पे सिलेक्शन होगा सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ब्रेटली भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपके एक साथी जो है वो बड़ा नाम पैदा कर चुके हैं, मेवात का नाम रोशन कर चुके हैं, शहबाज, सभी जानते हैं उन्हें, उनके साथ आप काफ़ी खेले हैं। उस एक थोड़े दिन पहले अगर देखें और अब, क्या तेज़ी से बदलाव आ रहा है क्रिकेट की तरफ? देखिए सुफियान भाई, मेवात में टैलेंट की कमी रही नहीं है, बस कमी थी तो संसाधन की कमी थी, जिस वजह से हमारे बच्चे पिछड़े हुए थे। और आज ये प्लेटफॉर्म जो मिला है मेवात के बच्चों को, एक पिछड़े इलाके को, ये मतलब अपने टैलेंट को दिखाने के लिए अब इंडिया लेवल पे एक टूर्नामेंट खेलेंगे मेवात के बच्चे। और हमारे कोच साहब हैं कमल कांत शर्मा, ये इसकी बहुत मेहनत रही है यहाँ, और आप लोगों का सबका सहयोग रहा तो हमारे बच्चे इंडिया की टीम में भी खेलेंगे। मैं आखिरी कमेंट जो है वो आकिब सर से लूँगा, और वो इसलिए भी क्योंकि एक्सटर्नल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, वो शायद आप यहाँ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? एक्सटर्नल सपोर्ट की जहाँ तक बात है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है एज बीइंग ए मेवाती। हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि जो लोग जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहें उन सबका सपोर्ट करें। और मैं कई बार यहाँ आता हूँ इस एकेडमी में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कितनी धूप है, लेकिन बच्चे फिर भी मेहनत कर रहे हैं, और बहुत यहाँ पर टैलेंट जैसे कमल साहब ने बताया, बट कूट कूट का भरा हुआ है। और सुफियान भाई, आप तो पता है मेवात
कितना लव करता है क्रिकेट को, मेवात में कितना कितनी मोहब्बत करते हैं लोग क्रिकेट को। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन आप देखेंगे हमारे इसी एकेडमी से हिंदुस्तान में कई बच्चे खेलेंगे क्रिकेट इंशाल्लाह। ये यहाँ की जो उत्साह है उसको देखने के बाद हमें ये लगभग तय लग रहा है कि बहुत जल्द हम यहाँ से ऐसे बच्चे देखेंगे जो न सिर्फ मेवात का नाम रोशन करेंगे बल्कि हरियाणा का और देश का और शायद विश्व का भी। उस तरह की टैलेंट यहाँ पर मिलता है, लेकिन एक कमी है कि संसाधन की कमी है, स्टेडियम्स की कमी है। वो शायद जब यहाँ टैलेंट दिखेगा और वो एक निखर कर सामने आएगा तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी मजबूर होना पड़ेगा, उन्हें वो तमाम सहूलतें भी देनी होंगी, वो सारी चीज़ें सामने ज़रूर आएंगी। मैं इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द आप लोग 3-4 जुलाई में यहाँ पे, जैसा सर ने बताया कि आप यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद ट्रायल देंगे, ट्रायल में आप अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे और बहुत जल्द आप सेलेक्ट भी होंगे। मेवात टाइम्स के लिए नूह से सुफियान सैफ।